हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। आज हम कुछ और एंटोनिम सिनोनिम्स देखेंगे। आप लोग साथ साथ में इन्हें लिखते जाएं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनयूजुअल, फैंटास्टिक, रिमार्केबल, एक्सेप्शनल, एस्टोनिशिंग, अनकॉमन एंड अमेजिंग, यानी जो बहुत अलग हो। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑर्डिनरी, कन्वेंशनल, कॉमन प्लेस, मेडियोकर, कस्टमरी, एवरेज, नॉर्मल एंड यूजुअल, यानी जो बहुत साधारण हो। नेक्स्ट है फसाइल यानी सुगम, जो आसानी से हो जाए। इसके सिनोनिम्स होंगे क्विक, सिंपल, एलोक्वेंट, फ्लुएंट, रेडी, इजी एंड स्मूथ। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स, हार्ड, डिफिकल्ट, क्लमजी, ऑकवर्ड, कॉम्प्लिकेटेड, यानी जो मुश्किल हो। नेक्स्ट है फॉल्सहुड यानी झूठ। इसके हो जाएंगे डिसेप्शन, डिसीट, फिक्शन, फैब्रिकेशन, इवेजन एंड लाई। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ट्रुथ, एक्यूरेसी, फैक्ट, वेरासिटी, रियलिटी, ऑनेस्टी एंड सर्टेनिटी। नेक्स्ट है फेम यानी प्रसिद्धि। इसके हो जाएंगे एस्टीम, रेप्यूट, क्रेडिट, प्रेस्टीज, ग्लोरी, ऑनर, रेपुटेशन एंड रिनो, यानी जो बहुत फेमस हो। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिस रेप्यूट, डिस ऑनर, नोटोरिटी, ऑब्सक्योरिटी एंड ऑब्लिवियन, यानी बदनाम, जो बदनाम हो। नेक्स्ट है फैटल यानी घातक। इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स लीथल, मैलिग्नेंट, मोर्टल, डिस्ट्रक्टिव एंड डेडली। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे लाइफ गिविंग, कंस्ट्रक्टिव, हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। नेक्स्ट है फीबल यानी निर्बल। इसके सिनोनिम हो जाएंगे वीक, फ्रजाइल, इम्पोर्टेंट, लैंग्विड एंड फ्रेल, यानी जो बहुत कमज़ोर हो। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल, विग्रस, फर्म, मैस्कुलर, पावरफुल एंड रोबस्ट, यानी जो बहुत बलशाली हो। नेक्स्ट है फेलिसिटी यानी परम सुख। इसके सिनोनिम हो जाएंगे हैप्पीनेस, ग्ली, जॉय, ब्लिस, प्लेजर, एन्जॉयमेंट एंड डिलाइट। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अनहैप्पीनेस, कैलामिटी, एफ्लिक्शन, एंग्विश, यानी दुख। नेक्स्ट है फ्यूड यानी अदावत। तो इसके या हो जाएंगे सिनोनिम्स स्ट्राइफ, डिस्प्यूट, कंटेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, क्वारल, मतलब झगड़ा। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे पीस, कॉनकॉर्ड, एमिटी, हार्मनी, एग्रीमेंट, यानी शांति। नेक्स्ट है फिल्दी यानी गंदा। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे नेस्टी, फाउल, अनक्लीन, पुट्रिड, डर्टी, इम्प्योर, पोल्यूटेड, करप्ट। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इमैक्यूलेट, क्लीन, वर्चुअस, प्योर, डिसेंट एंड स्पॉटलेस, मतलब जो साफ सुथरा हो। नेक्स्ट है फ्लैटरी यानी चापलूसी। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे यूलॉजी, अप्लॉज, प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट, किसी की प्रशंसा करना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्रिटिसिज्म, डिनंसिएशन, इंसल्ट, कंडमनेशन, डेरोगेशन एंड ऑफेंस, यानी किसी की बुराई करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट है फॉरबिड यानी रोकना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्रोहिबिट, इम्पीड, डिस अलाउ, रिस्ट्रेन, बैन, डिने एंड प्रिवेंट। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अलाउ, कंसीड, परमिट, ऑथोराइज, अप्रूव और असेंट, यानी किसी को परमिशन देना। नेक्स्ट है फॉर्टिट्यूड। इसका हो जाएगा धैर्य। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एंड्योरेंस, बोल्डनेस, करेज, डिटर्मिनेशन, रिजोल्यूशन, मेटल, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ एंड वेलोर। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कावर्डाइज, फियर, टेमिडिटी एंड वीकनेस, यानी कि कमज़ोर और जो कायर हों। आप लोग साथ साथ में नहीं लिख लीजिए।
ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेगमेंट यानी कि टुकड़ा, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे पोर्शन, क्रम, फ्रैक्शन, स्क्रैप, पार्ट, सेगमेंट एंड पीस। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे होल, कंप्लीट, ऑल, टोटल, एवरीथिंग यानी जो पूरा हो। नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंट यानी धोखाधड़ी, इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिसीटफुल, बोगस, फॉल्स, फेक, डिसऑनेस्ट, क्रूक, डिसेप्टिव एंड ट्रेकियस। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑनेस्ट, लीगल, ट्रूथफुल, ट्रस्टवर्थी, वैलिड, जेन्युइन, ऑनरेबल एंड अपराइट, मतलब जो सच्चा हो। ये जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं ये सारे लास्ट ईयर के एग्जाम्स में किसी किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें याद कर लें क्योंकि मोस्टली इसी तरह के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। फ्यूटाइल यानी निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो या जिसका कोई मतलब ना निकलता हो, तो ये हो जाएगा फ्रूटलेस, बैरन, यूजलेस, पॉइंटलेस, वेन, इनइफेक्टिव, अनप्रोडक्टिव, वर्डलेस एंड स्टराइल। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिवॉर्डिंग, यूजफुल, सक्सेसफुल, अफेक्टिव, फ्रूटफुल, वर्थवाइल एंड प्रोडक्टिव। नेक्स्ट है ग्रफ यानी कर्कश, इसका हो जाएगा अब्रप्ट, हार्श, रूड, हॉर्स, हॉरेस एंड रफ। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्लियर, सिविल, प्लीजेंट, जिनाइल एंड इजी, मतलब जो सुनने के लिए मधुर हो जो। नेक्स्ट है हार्मनी यानी सामंजस्य, इसके हो जाएंगे एग्रीमेंट, अफिनिटी, कॉनकॉर्ड, अमिटी, यूनिजन, अकॉर्ड। एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सी, डिस्कॉर्ड, फ्रिक्शन, डिसएग्रीमेंट, डिसेंट, क्लैश एंड कंटेंशन यानी संघर्ष। किसी से एग्रीमेंट एग्री ना होना। नेक्स्ट है हॉटी यानी अभिमानी, इसके हो जाएंगे एरोगेंट, वेन, पॉम्पस, बोस्टफुल एंड प्राउड। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हम्बल, डोसाइल, वीक, टिमिड, मॉडेस्ट एंड मीक यानी जो विनम्र हो। नेक्स्ट है हजार्ड यानी जोखिम, इसके हो जाएंगे डेंजर, थ्रेट, जपार्डी, प्राइल, वेंचर एंड रिस्क। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सर्टेनिटी, श्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है हीडलेस यानी असावधान, इसके हो जाएंगे केयरलेस, हैस्टी, रेकलेस, रैश, नेग्लिजेंट, इनडिफरेंट। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे केयरफुल, ऑब्जर्वेंट, प्रूडेंट, अटेंटिव एंड थॉटफुल, मतलब जो सावधान हो। नेक्स्ट है हिंड्रेंस यानी बाधा, इसका हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन, कंस्ट्रेन, इम्पिडिमेंट, बैरियर है ये, ब्लॉकेज, एन ऑब्स्टिकल एंड रेस्ट्रिक्शन। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हेल्प, सपोर्ट, कंट्रीब्यूशन, असिस्टेंस, असिस्ट, एडवांस एंड एड, मतलब किसी की मदद करना। नेक्स्ट है ऑरिबल, ऑरिबल है भयंकर, इसके हो जाएंगे फ्राइटफुल, हॉरिड, गैसली, ऑरिफाइंग, फियरफुल, टेरिफिक, अगली, ऑफुल। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एग्रीएबल, अट्रैक्टिव, प्लीजेंट, फैसिनेटिंग, डिलाइटफुल, प्लीजिंग एंड चार्मिंग यानी आकर्षक। नेक्स्ट है ह्यूमरस यानी विनोदपूर्ण, जो जिसमें मजा आता हो, जैसे जो मजाकिया हो, जैसे फनी, प्लेफुल, कॉमिक, लिडिक्रस, कॉमिकल, लाफेबल, जॉक्यूलर, सपोर्टिव एंड अम्यूजिंग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स हैं सीरियस, मोरोज, क्रेव, डिप्रेसिंग, डल, ट्रेजिक, ग्लूमी, सैड एंड सॉबर यानी जो दुख से भरा हो। नेक्स्ट है आइडेंटिकल यानी समान, जो एक जैसे हों,
इसके सिनोनिम हो जाएंगे अलाइक, एग्जैक्ट, सेम, सिमिलर, यूनिफॉर्म, इक्विवेलेंट एंड इक्वल। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिफरेंट, अनलाइक, डिससिमिलर, डाइवर्ज एंड डिस्टिंक्ट, जो अलग हो। नेक्स्ट है एम्बिट्यूस यानी अविवेकी, जो विवेक से काम ना ले। इसके हो जाएंगे हैस्टी, केयरलेस, थॉटलेस, रेकलेस, राश एंड इम्पेशेंट। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रूडेंट, सेंसिबल, कॉशियस, हेजिटेंट एंड केयरफुल, मतलब जो ध्यान से काम करे, सोच समझ के। नेक्स्ट है इंक्लीमेंट यानी बेदर या खराब। इसके हो जाएंगे रफ, सीवियर, स्टॉमी, हार्श एंड अनप्लीजेंट एंड अनफेवरेबल। इसके सिनोनिम्स हैं, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे जीनियल, टेम्परेट, माइल्ड, फेवरेबल एंड प्लीजेंट, यानी जो सुखद हो। अगला है इंडिसेंट यानी अभद्र। इसके हो जाएंगे लुइड, कोर्स, इम्प्रॉपर, ऑफेंसिव, शेमलेस एंड फॉल। स्कैंडनेम्स हो जाएंगे डिसेंट, अप्रोप्रिएट, प्योर, वर्चुअस, मॉरल एंड प्रॉपर, मतलब जो सही हो, जो भद्र हो। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस यानी मेहनती। इसके हो जाएंगे डिलिजेंट, प्रोडक्टिव, हार्ड वर्किंग, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक एंड जीलस। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे आइडल, डोरमेंट, लेजी, इनएक्टिव, इंडोलेंट, यानी जो आलसी हो। नेक्स्ट है जुडिशियस यानी उचित या न्याय संगत। इसका हो जाएगा वाइज, सेज, प्रूडेंट, रीजनेबल, सेंसिबल और सेन। एंटोनिम्स हो जाएंगे अनरीजनेबल, इम्प्रूडेंट, फुलिश एंड एब्सर्ड। नेक्स्ट है जुवेनाइल यानी किशोर। इसके हो जाएंगे यूथ, एडोलेसेंट, इमेच्योर, चाइल्डिश, यूथ, प्यूराइल एंड कैलो। एंटोनिम्स हो जाएंगे मैच्योर, एडल्ट, ग्रोन अप, डेवलप्ड, एडवांस्ड। नेक्स्ट है लिबरल यानी उदार। इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्लेंटीफुल, जेनरस, टॉलरेंट, लीनियंट एंड फ्री। एंटोनिम्स हो जाएंगे स्कैंटी, पार्शियल, ग्रेस्पिंग, वाइज्ड, लो एंड मीन। नेक्स्ट है लक्रेटिव यानी लाभप्रद। इसके हो जाएंगे प्रॉफिटेबल, फर्टाइल, फ्रूटफुल, रिवॉर्डिंग, बेनिफिशियल, वर्थवाइल, प्रोडक्टिव एंड रिन्यूमरेटिव, यानी जिनसे हमको फ़ायदा होता हो। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अनप्रॉफिटेबल, मार्जिनल, लूजिंग, अनप्रोडक्टिव, जो नुकसानदायक हो। नेक्स्ट है मेरिमेंट यानी आमोद, यानी जो प्रसन्नतादायक हो। इसके हो जाएंगे गेती, हैप्पीनेस, वर्थ, अम्यूजमेंट, ग्ली, डिलाइटफुल, चीयरफुलनेस, लाफ्टर एंड जॉक्युलरिटी। एंटोनिम्स हो जाएंगे मेलेंकॉली, ग्रीफ, वो, डिसोलेशन, डिप्रेशन, सोरो एंड सैडनेस। नेक्स्ट है मीजरेबल यानी दुखी। इसके हो जाएंगे फॉरलॉन, मेलेंकॉली, अनहैप्पी, सैड, डिसमल, पथेटिक, रैश एंड ऑप्रेसिव। एंटोनिम्स हो जाएंगे हैप्पी, जोकंड, चीयरफुल, ग्लैड, जॉयस, प्रॉस्पेरस, डिग्निफाइड एंड ब्लेस्ड। अगला है मॉडिकम यानी भोजन की थोड़ी मात्रा। तो ये हो जाएगा बिट, स्क्रैप, लिटिल, क्रम, मिनिमम, मोर्जल एंड ट्रिफल। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे लॉट, अबंडेंस, मच एंड प्लेंटी। नेक्स्ट है मॉन्स्टर यानी राक्षस। इसका हो जाएगा एनॉर्मस, जिजेंटिक, ह्यूज, डेविल, डेमन, ट्रिमेंडस एंड जाइंट। एंटोनिम्स हो जाएंगे टाइनी, मिनिएचर एंड पिग्मी, यानी बहुत छोटा। नेक्स्ट है वर्डलेस यानी बेकार। इसके हो जाएंगे चीप, फ्यूटाइल, बेस, यूजलेस, वैल्यूलेस एंड कंटेम्प्टेबल। ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सेलेंट, यूजफुल, गुड, वर्थवाइल, वैल्यूएबल एंड एडमायरेबल, यानी जो अच्छा हो। और नेक्स्ट है व्राथ यानी कोप।
इसके हो जाएंगे रेज, वैक्सेशन, एंगर, डिसप्लेजर, फरी, इरिटेशन एंड रिसेंटमेंट, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे प्लेजर, अफेक्शन, डिलाइट एंड हैप्पीनेस, यानी बहुत खुशी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी के थोड़े से बच गए हैं एंटोनिम्स एंड एनोनिम्स वो देखेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।